Assalamualaikum and welcome to Healthy Cooking. Nazin, आपका अपना daily live cooking program, your guide to good health and delicious food. तो मुझे उम्मीद है नाजीन कि आपको हमारी सारी recipes, हमारी healthy recipes खास करके और हमारी जो हेल्दी कुकिंग ऑप्शंस जो आपको रोज़ इस प्रोग्राम के ज़रिए मैं कोशिश करती हूँ कि जितना ज़्यादा हम आपको बता सकें हर प्रोग्राम में और हर चीज़ बिल्कुल डिफरेंट हो. तो मुझे उम्मीद है इन सब चीज़ों से आपको खूब फ़ायदा भी हो रहा होगा और आपने देखा है कि हाल ही में हमने कुछ इजाफे भी किए हैं और जिसमें मैं ज़रूर दोबारा से नोट करवाऊँगी आपको कि हमने आयुर्वेदिक हर्बल टिप्स, हर्बल रेमेडीज़ और ब्यूटी टिप्स हमने इजाफा किया है नाज़रीन. और हर मंडे और वेंसडे, एवरी मंडे हमने ब्यूटिशन को भी इंडक्ट किया है अपने प्रोग्राम्स में ताकि वो आपको ब्यूटी की लेटेस्ट ट्रेंड्स बता सकें, स्किन केयर के बारे में लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज बता सकें और आपको ये बता सकें कि इकोनॉमिकल और सस्ते तरीके में हम अपनी स्किन को कैसे हेल्दी मेंटेन कर सकते हैं और उसको कैसे खुशगवार रख सकते हैं और उसको कैसे खूबसूरत रख सकते हैं. और आपको पता है कि ये बिल्कुल पॉसिबल है. ज़रूरी नहीं है कि हम महंगी महंगी क्रीमें ख़रीदें और मास्क ख़रीदें. हम घर में जो ये टिप्स और हर्बल रेमेडीज़ हैं आप सोच नहीं सकते कि इनसे आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है और कितनी आपकी स्किन ग्लो कर सकती है. तो हमने हाल ही में जो बहुत ब्यूटी टिप्स दी हैं बहुत हमें पॉजिटिव फीडबैक आया है. लोगों ने इस्तेमाल लोग कर रहे हैं और उनसे उनको फ़ायदा भी हो रहा है, चाहे वो डार्क सर्कल्स हों, चाहे वो छाइयाँ वगैरह हों या दाग धब्बे हों, चाहे वो आपकी स्किन ड्राई हो, फ्लेकी हो, झड़ रही हो. स्पेशली आजकल के ज़माने में, आजकल के मौसम में सॉरी, जो अभी बदल रहा है बहुत रैपिडली, उसमें यह है कि अब विंटर मंथ्स में तो वैसे भी जिनकी ऑयली भी स्किन होती है वो भी थोड़ी सी ड्राई महसूस होने लगती है. तो जो ड्राई स्किन्स हैं, ऑयली स्किन्स हैं और इन सब के लिए मास्क जो हमने आपके साथ शेयर किए, हमें बहुत उससे पॉजिटिव फीडबैक है नाज़रीन. और मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने इन सबको ट्राई किया और आपको इनसे फ़ायदा भी हो रहा है. तो नाज़रीन आप हमें ज़रूर कॉल कीजिए, हमें लिखिए. हम दोबारा मैं नोट करवाऊँगी कि हमारा फेसबुक पेज ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है और जैसे ही तैयार होगा तो वो आपकी टीवी स्क्रीन्स पे टिकर चलेगा. तो आप नोट कर लीजिएगा जो डेली यहाँ पे ब्यूटी आयुर्वेदिक टिप्स दी जाएंगी और ब्यूटी के हवाले से जो स्किन केयर की जो मास्क और ये सारी पेस्ट जो हम बताएंगे आपको वो सारी वहाँ पे अपलोड की जाएंगी ताकि आप अपने टाइम पे उसको नोट कर लीजिए, वहाँ से उतार लीजिए. और नाज़रीन जो भी टॉपिक है, जैसे कि आज हम कुछ बात करेंगे जोड़ों की दर्द की और मैं आपको इसके हवाले से आपको दूंगी कुछ हर्बल आयुर्वेदिक रेसिपीज़ जिससे जोड़ों की दर्द कम हो जाती है और उसको आप कंट्रोल कर पाते हैं. और हम बात ये भी करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में जिसमें ये होता है कि जोड़ों की दर्द जैसे आपकी उम्र ज़्यादा बढ़ती जाती है तो फिर आपको बहुत ब्रिटल हो जाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती, बिल्कुल हड्डियाँ जो हैं वो उसमें हर छोटी सी बात पे हड्डी जो है वो फ्रैक्चर हो जाती है, ब्रिटल हो जाती है. तो हम उसमें बात करेंगे कि कैसे हम कम उम्र में ये चीज़ प्रिवेंट कर सकते हैं. और नाज़रीन यहाँ पे हम छोटी सी ब्रेक में लूँगी, हम एक लेंगे एक कॉल और फिर आपको बताऊँगी आज की रेसिपीज़. आज हम बहुत मज़ेदार एक हेल्दी डिज़र्ट तैयार कर रहे हैं. अच्छा जी, पहले हम लेंगे कॉल. कौन है हमारे साथ जी? अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहे हैं? मैं आयशा बात कर रही हूँ. जी आयशा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह. जी आयशा, ईद मुबारक. सॉरी ये तो मैं भूल ही गई. कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ. आपका प्रोग्राम ईद में लाइव था? नहीं, रिकॉर्डेड था. रिकॉर्डेड था, वही मैंने कहा शायद लाइव हो, मैं कॉल कर करके तो कोई रिसीव ही नहीं कर रहा. जी जी जी. और आपने जो ईद पे वो बनाई थी बादाम खीर? जी जी जी, आपने ट्राई की? इज सो ऑसम. इंशाल्लाह मैं आई विल ट्राई इट. प्लीज ट्राई इट. जी थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. मेरे ना, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछना. जी 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 आयशा पूछिए. मैं, मेरे ना 3 महीने पहले दाने हुए थे तो मैंने आप तो वो हट गए थे, धब्बे पड़ गए थे. मैंने आपसे फेशियल मास्क पूछा था ना, तो वो जी जी, वो मैंने 2 दफा ट्राई तो किया है, वही खीरे वाला. खीरे वाला? जी जी जी. वो मैंने ट्राई किया, उसके बाद मेरे ना दाने दोबारा निकलने से शुरू हो गए ना, जैसे पीप वाले छोटे छोटे दाने. राइट, नहीं होते. राइट, वो बिल्कुल पूरे फेस पे. अच्छा, तो आपको वो वाला आप छोड़ दीजिए, मे बी वो आपको आपकी स्किन रिएक्ट कर रही है. तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि क्या मैं ये डॉक्टर को दिखाऊँ?
आप दिखा भी सकती हैं, लेकिन आप हर्बल मैं आपको एक और मास्क अभी आपको जैसे ही आपकी कॉल खत्म होगी मैं आपको बता सकती हूँ। छोटे छोटे बिल्कुल पूरे फेस पे निकलने स्टार्ट हो गए हैं। मे बी आपको कोई एलर्जी हो गई, आप एंटी एलर्जिक पिल, बट ये सब आप डॉक्टर से ज़रूर पूछेगा, क्योंकि मास्क तो उसमें तो सारी हर्बल चीज़ें हैं, वो आपको पिंपल्स नहीं देगा कभी। अच्छा अच्छा, वही मैं फिर उनको दिखा दूँ ना, ताकि देखने से पता चल जाए किस किस्म के हैं पिंपल्स। बिकॉज आजकल मौसम भी बहुत बदल रहा है, तो ये एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है, क्योंकि एकदम से होते हैं और एकदम से ख़त्म हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। ये किस्म की एलर्जी भी हो सकती है, तो आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाइएगा, वो आपको एंटी हिस्टामिन या कोई ऐसी दवा प्रिस्क्राइब करेंगे जिससे वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये मास्क वैसे आप ट्राई कीजिएगा, क्योंकि इसमें तो सिर्फ खीरा और पुदीने के पत्ते हैं, इससे ज़्यादा हेल्दी कॉम्बिनेशन हो नहीं सकता, और इतना ठंडक पहुँचाता है स्किन को, इससे आपको पिंपल्स वैसे नहीं हो सकते। ठीक है, आयुषा, नॉट एट ऑल, थैंक यू फॉर कॉलिंग, हाफिज। अच्छा जी नाज़रीन, तो आज हम बना रहे हैं, रेसिपी की तरफ आते और फिर मज़ीद हम अपने टॉपिक को लेके चलेंगे आगे, जो कि ऑस्टियोपोरोसिस है, हड्डियों और जोड़ों की दर्द, जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल हो सकती है, तो इसको अवॉइड करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स अपनी कम उम्र में ही हमें ले लेने चाहिए, ताकि आगे जाके हड्डियों की और जोड़ों की दर्द से हम बिल्कुल बच के रहें, और हमारे लव्ड वंस और हमारे पेरेंट्स सब इस चीज़ से बिल्कुल बच के रहें। अगर आप लेट एज में भी अभी भी शुरू कर सकते हैं, जो लोग हमें देख रहे हैं, तो प्लीज़ एक्सरसाइज फ़ौरन स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा आसान दवाई कोई भी नहीं है, जो कि है एक्सरसाइज। 20-25 मिनट रोज़ आप अगर सिर्फ वॉक भी कर लें तो आप इस चीज़ से बच सकते हैं। अच्छा नाज़रीन, आज हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार एक डिज़र्ट, हम बना रहे हैं एप्पल ब्राउन बेटी। ये एक बहुत हेल्दी डिज़र्ट हम तैयार करेंगे, जो इसमें ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल हम करेंगे, और आपको मैं ये भी बताऊंगी कि वाइट ब्रेड के क्या डिसएडवांटेजेस हैं, हम क्यों नहीं वाइट ब्रेड का इस्तेमाल करें, क्योंकि हम आपको सिर्फ हेल्दी चीज़ें बताते हैं, हेल्दी खाना तैयार करते हैं, तो ये एक हेल्दी डिज़र्ट है जो स्पेशली आप हार्ट पेशेंट्स को दे सकते हैं। इसमें बिल्कुल तेल नहीं है, इसमें कोई फ्राइड चीज़ नहीं है, और इसमें बिल्कुल सेब का इस्तेमाल है, और थोड़ा सा नींबू का रस, थोड़ी सी दालचीनी का पाउडर, और इसके साथ नाज़रीन 5 हमने ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं, ब्राउन ब्रेड के, उनको हम बिल्कुल छोटी छोटी क्यूब्स में काटेंगे, बहुत ही आसान सिंपल। इसको आपने सिर्फ 30 मिनट तक अवन में बेक करना है, जैसे ही आप देखिएगा कि वो बबल कर रही है, आप उसको रिमूव करके किसी भी अपने फेवरेट प्लेटर में उसको सर्व कर सकते हैं। तो मैं आपको इंग्रेडिएंट्स नोट करवा दूँ, हमें चाहिए 5 स्लाइसेस ब्राउन ब्रेड या कोई भी होल व्हीट मल्टी ग्रेन ब्रेड, लेकिन हम वाइट ब्रेड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छा, आपको मैं आगे चल के बताऊँगी उसके डिसएडवांटेजेस। अच्छा, उसके साथ हमें 3/4 कप चाहिए एप्पल जूस, आप ताज़ा भी निकाल सकते हैं या आप पैकेट वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पैकेट वाले में ये है कि उसमें ज़रा सी शुगर होती है ज़्यादा, तो कोशिश कीजिएगा कि आजकल तो सेबों का बिल्कुल सीज़न में है, तो आप फ्रेश बिल्कुल तैयार कीजिए। अच्छा, हमें 2 अदद सेब चाहिए बिल्कुल थिनली स्लाइस्ड, हमें 1/2 कप ब्राउन शुगर चाहिए, और 1 टीस्पून नाज़रीन हमें चाहिए दालचीनी का पाउडर। ये सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं, और अवन को आपने 240 डिग्रीज पे पहले से 15 मिनट प्री हीट करना है, और फिर इस मिक्सचर को हम बेक करेंगे। अच्छा, आपको एक छोटा सा बेकिंग टिन चाहिए, तो पहले हम ये करते हैं, हम बेकिंग टिन को थोड़ा सा लाइन कर लेते हैं। अच्छा नाज़रीन, साथ ही हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, वापस आके हम कंप्लीट करेंगे एप्पल ब्राउन बेटी की तैयारी, सब कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस, लॉट्स मोर कमिंग एंड वी विल बी राइट बैक।